साथियों, कुछ हफ्ते पहले ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था हमारी संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग, उनके साथी दल और उनका बनाया इकोसिस्टम भारत की संसद के खिलाफ ही आज उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह की नफरत वो हम लोगों से करते हैं, वैसा ही स्वर अब देश की संसद के खिलाफ दिख रहा है। इन लोगों ने भारत की संसद के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया है। ये लोग पाकिस्तान से आए दलितों, पीड़ितों, शोषितों, उनके ही खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था, देश धर्म के आधार पर बंटा था और बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार शुरू हो गया था। समय के साथ पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, उन पर धर्म के आधार पर अत्याचार बढ़ता ही रहा है। हजारों ऐसे लोगों को वहां से अपना घर छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा है, भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान ने हिंदुओं पर जुल्म किया, सिखों पर जुल्म किया, जैन और ईसाइयों पर जुल्म किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सारे साथी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज हर देशवासी के मन में सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बलात्कारियों से बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए भारत के शरण आए, उनके खिलाफ वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान ने वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ, वहां के हिंदू, सिख, ईसाई के ऊपर जो जुल्म किया, उनके खिलाफ इन लोगों को बोलने की न फुर्सत है। क्या कारण है उनके मुंह पर आज ताले क्यों लग गए? क्यों पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है, जिस पाकिस्तान ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया? साथियों, हमारा ये फर्ज बनता कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद करे। हम देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि मजबूरन आए उनके साथ हम खड़े हो जाएं। हमारा ये फर्ज बनता है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को, और उसमें भी ज्यादातर मेरे दलित भाई बहन है, मेरे शोषित भाई बहन है, पीड़ित भाई बहन है, उनको उनके नसीब पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी मदद करना ये हमारी सांस्कृतिक, हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। हमारा ये फर्ज बनता है कि पाकिस्तान से आए सिखों को उनके नसीब पर न छोड़ दें, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। हमारा ये फर्ज बनता है कि पाकिस्तान से आए जैन परिवार और ईसाई परिवारों को उनके नसीब पर न छोड़ दिया जाए, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। साथियों, जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर ये दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित पीड़ित शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए।